हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक का प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्टॉक 2 दिन से अच्छी खासी तेजी में। अगर हम लोग 5 दिन का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% की रिटर्न स्टॉक ने ऑलरेडी डिलीवर कर दी है। अब एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक यहाँ से देखने को लग रहा है। काफी चीजें एक चार्ट में काफी अच्छे डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो सीधे चलेंगे इसके फंडामेंटल पे और उसके बाद देखेंगे इसके टेक्निकल पार्ट को। तो फंडामेंटली देखिए जाए तो मार्केट कैप बहुत छोटा है, सिर्फ 896 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी देखोगे तो 14.7 का है, तो वैल्यूएशन काफी अच्छा है स्टॉक का, कोई ओवर वैल्यू नहीं है। इंडस्ट्री पी देखोगे तो 40 का है, तो स्टॉक में अच्छा खासा एक मूवमेंट आने को पॉसिबल है। वहीं अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू भी देखोगे देख तो 105 की, मतलब स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। डिविडेंड ठीक है, ओके। हाई लो की बात करें तो 75 का लो है और 114 रुपए का हाई है। तो स्टॉक ने पिछले 1 साल में कोई खास मूव हम लोगों को देखने को नहीं मिले हैं। वहीं अगर कंपनी के अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें स्पेशली इस बार के, तो 438 करोड़ की सेल्स इस बार देखने को मिली है। मार्जिन बहुत कम थे, सिर्फ 3% के थे, 12 करोड़ के आसपास की अदर इनकम भी आई है, जनरली 7 8 9 10 करोड़ के आसपास की रहती है। और टोटल जो नेट प्रॉफिट भी निकल के आया है वो भी 12 करोड़ ही निकल के आया है। तो इस बार कुछ स्ट्रेंज चीजें हुई, 12 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 12 करोड़ की अदर इनकम थी और नेट प्रॉफिट भी 12 करोड़ का था। पिछले बार से कंपेयर करोगे तो पिछली बार 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, इस बार 12 करोड़ का। तो यहाँ से लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा था पिछली बार। हालांकि अगर यहाँ देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 20 करोड़ का था, काफी अच्छा था। पिछली बार 2 क्वार्टर में डेंट क्यों पड़ा, क्योंकि तमिलनाडु में साइक्लोन की वजह से इस कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, तो वहां से एक डेंट काफी काफी ज्यादा डेंट पड़े हैं। और इसी वजह से क्या हुआ, मार्च 2024 मतलब 2024 इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। यहाँ से देखोगे तो मार्च 2023 में 94 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार सिर्फ 50 करोड़ ही कमाए कंपनी ने। जबकि पहले देखोगे तो मार्जिन वगैरह भी काफी अच्छे थे, 14 15% के आसपास के 2022 में मार्जिन थे, 175 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। वही इस बार और सेल्स देखोगे, सेल्स में भी ड्रॉप देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का हैवली इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इस बार कुछ अच्छी चीजें क्या है। यहाँ पर एक चीज क्लियर कट है कि एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जोन है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, 111 रुपए के आसपास का है। और एक बढ़िया सा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी हम लोगों को देखने को मिला। ये अगर हम लोग चार्ट ट्रेंड लाइन हटा देते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं कुछ यहाँ से, तो यहाँ से हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ली और इसको बढ़िया तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ से इसका लेफ्ट शोल्डर बना, ये इसका हेड बना, और यहाँ पर देखोगे तो ये इसका कुछ इस प्रकार से बनता हुआ जा रहा है इसका राइट शोल्डर। तो यहाँ से अगर एक बार ब्रेकआउट निकल के आता है जो कि 112 13 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक का प्राइस निकलेगा, एक बढ़िया सा ब्रेकआउट भी हम लोगों को टेक्निकल चार्ट पर देखने को मिल सकता है। स्टॉक चूंकि अंडर वैल्यूड भी काफी है, वैल्यूएशन काफी जस्टिफाइड है, सिर्फ 14.7 का स्टॉक का पी है तो वैल्यूएशन काफी जस्टिफाइड है। और अगर आप लोग एक चीज नोटिस की होगी कि आपके कंपनी का जो टोटल सेल्स है अगर इस साल भी देखोगे तो 1669 करोड़ के आसपास की सेल्स निकल के आ रही है। चूंकि मार्केट कैप काफी कम है इससे, और इस बार मुझे लग रहा है कि जो इसका डेंट था जो पड़ना था 2024 में वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। तो अब यहाँ से कुछ अच्छे पैटर्न वगैरह देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से स्टॉक पॉसिबल है कि 112 11 रुपए को अगर क्रॉस करता है तो कुछ और अच्छे टारगेट के लिए स्टॉक जाता हुआ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु प्रोडक्ट पेट्रो प्रोडक्ट को लेकर के आपके क्या व्यूज हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।